यस, न्यूमोनिया पिछले क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और अप टू हमने पैथोफिजियोलॉजी तक देखा था, और अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स, राइट। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं न्यूमोनिया के? तो न्यूमोनिया के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वही सारे क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर सीक्रीशन और स्पूटम के ओक्यूमुलेशन होने से होते हैं, जैसे कि नेजल कंजेशन, फीवर, शेकिंग, चिल्स, मतलब कि कफ कफी होना, घबराहट होना, ओके, डिजनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कफ, चेस्ट पेन, और ब्लूनेस ऑफ स्किन या कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेटस। तो ये सारे सिम्टम वही कॉमन है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, और उसके अंदर बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया और एटिपिकल न्यूमोनिया की लिस्ट मैंने आपको अवेलेबल करा रखी है। तो उसके अंदर सेम, लगभग सारी चीज़ें सेम हैं, जो भी डिफरेंस है वो आप देख लेना, याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। यदि आपको लगता है कि कोई क्लिनिकल फीचर क्यों हो रहा है और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, जो भी जांचें हम करते हैं, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते ही हैं, ठीक है। कफ वगैरह तो नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग तो नहीं है, चेस्ट टाइटनेस तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, चिल तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। चेस्ट एक्सरे करेंगे, ओके, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करेंगे चेस्ट का, सीटी स्कैन, ओके, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट करेंगे, यदि कोई इन्फेक्शन है तो ब्लड के अंदर हमको IgG, IgM बढ़ा हुआ मिलेगा, और ब्लड के अंदर दूसरा ESR भी अबनॉर्मल मिलेगा, और ब्लड के अंदर तीसरा कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, और TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी हम चेक करते हैं, WBC काउंट, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं तो, और अपना रहता है एक टेस्ट रहता है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, ओके, ब्रोंकोस्कोपी, जिसके बारे में मैं पहले आपको बताया था। नेक्स्ट है स्पूटम कल्चर। स्पूटम जो है, कल्चर किसी का भी हो सकता है, कल्चर ब्लड का भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेशल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो हम स्पूटम का कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है, ओके। तो ये सारे हो गए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके अलावा है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री क्यों करते हैं? SpO2 लेवल को मॉनिटर करने के लिए। SpO2 क्या है? तो ये नॉर्मल 99% टू 100% आना चाहिए, ओके। ये ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट को बताता है। यदि हेल्दी पर्सन है तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना आता है, 99 टू 100% आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम SpO2, और मॉनिटरिंग करने को हम बोलेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमीटर से ये मॉनिटर किया जाता है लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट प्लूरल फ्लूड कल्चर, ओके। प्लूरल फ्लूड कल्चर, प्लूरल फ्लूड रिमूव करके उसका कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, किस तरह का इन्फेक्शन है उसको पता करने के लिए। और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस भी हम करते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर O2 पार्शल, O2 कितना है, पार्शल CO2 कितना है, ओके, और वेस्ट कितना है, जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह, और भी चीज़ें बहुत सारी रहती है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह एक्सचेंज होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के समय ABG की और भी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, तो वो सारी बाइकार्बोनेट वगैरह जो भी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें देखने के लिए हम आर्टेरियल ब्लड गैस का एनालिसिस करते हैं, आर्टेरियल ब्लड का गैस एनालिसिस करते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें, ओके, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? तो एटेलेक्टेसिस के अंदर मैंने जो जो भी मैनेजमेंट बताया, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एंटीबायोटिक देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, जिसको अपन स्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रोंकियो डायलेटर्स देते हैं, ओके। इसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज देंगे, ओके। लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री करवाएंगे, स्पायरोमेट्री या एक्सरसाइज रहती है, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी रहती है, और पोजीशन, सीटिंग पोजीशन देंगे। ये सारे मैनेजमेंट मैंने आपको ब्रोंकियोटैक्सिस के अंदर बताए हैं। ब्रोंकियोटैक्सिस के नोट्स में आपको मैनेजमेंट जो भी मिलेगा सब इसमें लिख सकते हो, फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल दोनों, ओके। और अभी ये जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको न्यूमोनिया के, इसके अंदर नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टर्निंग द पेशेंट, टर्निंग पेशेंट को टाइम टू टाइम टर्न करना है, उसको कफिंग करवानी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी है, ठीक है।
सेकेंड है पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज करवाना है, ठीक है, ये सब नॉन फार्मेकोलॉजिकल में आते हैं। ओ टू सप्लीमेंट देना है, ओके, और जो है फ्लूड इनटेक बढ़ाना है ताकि क्या हो जाए, स्पूटम पतला हो जाए, ओके, डिहाइड्रेशन में स्पूटम टाइट रहता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद नोट्स के अंदर मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी दे रखे हैं, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस की जो भी लाइन्स हैं, ओके, ये लाइन्स जो 5-6 लाइन है, यदि ये आप अच्छे से याद कर लेते हो और इनके इंटरवेंशन याद कर लेते हो, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन हो उसके अंदर ये नर्सिंग केयर प्लान आप लिख सकते हो, क्योंकि ये कॉमन है, ओके। तो इन नर्सिंग केयर प्लान को यदि आप याद कर लोगे तो रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और NCP पूछ लेता है तो आपको ये आंसर दे देना है, जो कि मैंने आपको अभी न्यूमोनिया के नोट्स में नर्सिंग मैनेजमेंट नाम से अवेलेबल कराए हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल आप बिना कोई चिंता किए पूछिए, ओके, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको रीड करो और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये मुझे बताओ, कौन से टर्म का मीनिंग पता नहीं चल रहा है, या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या करनी है, वो मेरे को चीज़ पता चलेगी तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ओके। ऑल द बेस्ट।